सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ नाथ नगरी झुमका नगरी बरेली से। तो आज का मौसम जान लेते हैं कि आज के मौसम के क्या हाल है। तो देखिए आज जो है बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और जो है हवा भी बहुत तेज़ जो है चल रही है और धूल भी जो है उड़ रही है। तो आज की जो है मौसम में बहुत ज़्यादा जो है गर्माहट है। तो अब हम लोगों की जो है तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की। तो हम लोग जो है मार्केट के लिए निकलते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और देखिए यहाँ पर जो पीहू की भी तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की, लेकिन मैं पूर्णमा को नहीं लेके जा रही हूँ। पूर्णमा नहीं जा रही ना मार्केट, पूर्णमा नहीं जा रही ना मार्केट, नहीं जा रही। देखो देखो ये ऐसी शरारत जो कर रही है जब से इसके एग्जाम खत्म हुआ, पागल उगल हो गई है ये लड़की। तो अब मैं पूर्णमा को छोड़ के जा रही हूँ, पूर्णमा को लेके नहीं जा रही हूँ। और देखिए हमारा यहाँ पर खाना भी बन चुका है और जो है खा लिया है। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं आज हमारे खाने में क्या बना है। तो आज हमारे खाने में बना था अरहर की दाल और जो है यहाँ पर जो है बने थे जो है चावल यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बनी थी जो है भिंडी की सब्जी। तो देखिए खाना पीना सबका हो चुका है और हम लोग की तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से मार्केट जाने की, क्योंकि होली जो है सर पर है और अभी हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। शॉपिंग करना आसान काम नहीं है, तेज द्वार पर अक्सर जो है जाम लग जाता है और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, टू व्हीलर जो है सही रहते हैं ताकि आप थोड़ी सी जगह में से भी आराम से निकल सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो है बड़े बाज़ार में आ चुके हैं, वहाँ से जो है सीधे हमने जो है गाड़ी स्टॉपेज पे खड़ी कर दी है और हम लोग यहाँ पर जो है बड़े बाज़ार में आ चुके हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, शॉपिंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है और भीड़ भी अच्छी खासी है क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है और सब लोग होली के उपलक्ष्य में जो है शॉपिंग तो करते ही हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। गाइस फाइनली मैंने ये बार जो है ना सिलेक्ट कर लिया है, कौन सा है वो वाला कुर्ता। देखिए ये पूरा मार्केट है और देखिए हस्बैंड जी भी यहाँ पर जो है जीन्स देखने के लिए आ चुके हैं और पूरा मार्केट देखिए कपड़ों से जो है भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है होली दिवाली सब लोग जो है कपड़ों की शॉपिंग तो करते ही करते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम लोग जो है घंटाघर रोड पर आ गए हैं और ये है बरेली का घंटाघर रोड। तो पीहू ने यहाँ से जो है मीठा पान और जो है सुपारी वगैरह ले ली है क्योंकि पीहू को यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए यहाँ पर जो है पान भी मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है पीहू के लिए वाइन कलर का जो है क्रॉप टॉप और जो है ले लिया है स्कर्ट, और जो है देखिए यहाँ पर जो और भी जो है देखे थे पीहू को पसंद नहीं आए थे। और थैंक यू भैया आपका जो है मतलब जो है देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ से जो है पीहू के लिए हमने जो है बेल्ट भी ले ली है यहाँ पर जो है, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेल्ट देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तरह तरह की जो है बेल्ट जो है बिक रही है जेंट्स की और लेडीज़ की, तो पीहू के लिए हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो देखिए जो है एक दो दुकान पर जो है जीन्स देखने के बाद हस्बैंड जी को पसंद नहीं आई और अब हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर। तो देखिए यहाँ पर जो है डिफर कलर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्रे मिल रहा है, ग्रे से अलग अलग कलर भी देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पसंद आती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा कलर है और जो है यहाँ पर जो है साइज को लेकर जो है खास नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है कलर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं अब जो है कौन सी पसंद आती है और साइज पर यहाँ पर हो रही है खिचपिच। यहाँ पर हस्बैंड जी को जो है ग्रे कलर का जो है जीन्स पसंद आ गया है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो है होली की जो है शर्ट जो है मिल रही है और पीहू को होली की शर्ट लेनी ही लेनी है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है 150 की जो है दो मिल रही है लेकिन हम एक ही लेंगे यहाँ पर होली जो है खेलने के लिए शर्ट। पीहू को देखते हैं कौन सी पसंद आती है। तो देखिए जो है पुल बन जाने से यहाँ पर इतनी जो है मतलब सहूलियत हो गई है कि यहाँ पर जो आराम से जो आप पैदल भी जो है शॉपिंग जो है कर सकते हैं। तो ये पुल देखिए यहाँ पर जो है बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कितने सारे जो कलर्स जो मिल रहे हैं, गुलाल भी मिल रहा है और फोम भी मिल रहा है, यहाँ पर जो कैप भी मिल रही है, सब कुछ है यहाँ पर जो कलर
शॉपिंग करके आए और जो गोलगप्पे टिक्की ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग की शॉपिंग पूरी हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जो है टिक्की और गोलगप्पे खाने के लिए। चलिए आइए इंजॉय करते हैं। मम्मा अभी देखो मेरी शॉपिंग हो गई है, मेरे पापा की शॉपिंग हो गई, लेकिन आपकी शॉपिंग तो नहीं हुई। आपके लिए कुछ कोई बात नहीं, तुम्हारी शॉपिंग हो गई ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, खुशी की जो बात है। मेरी शॉपिंग तो होती रहेगी। अरे चलो कोई नहीं, आपकी शॉपिंग नहीं हुई। और पता है फ्रेंड्स, आज ना रात में ना कुछ है भी, तो अभी ना हमने गुजिया भी नहीं बनाई है। पता है हमें गुजिया भी बनानी है आज ही, और भी बहुत सारा काम करना है। तो चलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मम्मा बाहर चले जाओ ना, अभी आपको काम वाम करना होगा। हाँ तो ठीक है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, बाहर जाया करो। फ्रेंड्स आई मम्मा चली गई हैं, और मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ कि मैंने और पापा ने पहले से ही मम्मा के लिए शॉपिंग कर रखी है। और हाँ, हम लोग जब मम्मा नहीं गई थी ना, उसके पहले हम लोग और पापा बाजार गए थे, तो इसलिए हमने तभी मम्मा के लिए शॉपिंग कर ली थी। और मम्मा को हमने पता भी नहीं चले दिया, क्योंकि मम्मा थी दूसरे वाले रूम में, और मैंने जल्दी से आके मैंने अंदर जाके बिल्कुल छुपा दिया। और मतलब भी किसी मम्मा को इतनी सी भनक भी नहीं हुई है। और अभी मैं धीरे बोलती हूँ कि मम्मी को कुछ सुनाई ना दे, वैसे भी वो अभी थोड़ा सा हमने आँखें बंद कर ली है। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी को मैंने क्या मैंने शॉपिंग करी मम्मी के लिए। मम्मी को भी सरप्राइज देते आ जाओ। तो फ्रेंड्स मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, इसमें बताते हैं, इसमें मैं देखती हूँ कि इसमें मुझे तो गाइस ये तो आप लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें है मेरे लिए कुर्ता जो कि मैं लेकर आई थी, और देख सकते हैं आप पर ये बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो ये मेरे लिए है। और ये मैं जीन्स के नीचे पहन सकती हूँ। सो देख, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और मेरे भी आ जाएगा? नहीं आपके लिए। ये पीहू के लिए कलर जो है मैंने पसंद किया है, और पीहू को बहुत जो है ज़्यादा चाहत थी कि मुझे मेरे पास एक जो कुर्ती हो, तो मैं जो है पीहू के लिए जो है लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना, एक तो होनी चाहिए थी इसलिए मुझे चाहिए थी, तो मैंने ले ली। और उसके बाद पापा के लिए है ये जीन्स जो कि हमने खरीदी थी, जैसा कि मम्मा ने आपको बताया था। इस जीन्स के लिए तो बहुत पापा ने बताया ना, 3-4 दुकानें देखी है, तब कहीं जाके पापा को ये डिफर कलर मिला है। हाँ, इनको कलर है ना पसंद नहीं आया था, किसी का कहते मुझे ब्लू और उसके लिए। अरे जेंट्स लोगों के जो है पास है क्या होता है, ब्लू ब्लैक और जो है बस ग्रे या जो आसमानी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत मस्त है कंपनी, बहुत मस्त है इसकी, और प्राइस भी बहुत मस्त है। लेकिन ये ग्रे कलर अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और चलिए अभी दूसरा देखते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो मैं अपने लिए लाई हूँ लिप बाम, जो कि मैं थोड़ा सा अप्लाई भी कर लिया है। और उसके बाद इसमें क्या, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये वाले। तो सबसे पहले तो मेरे लिए होली के लिए ये वाली, ये इसके पीछे पड़ गई थी। और बिल्कुल जी ना, पता है कल से मेरे से जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे होली की टी शर्ट चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, हम लोग ने पहले तो कभी ऐसा अच्छी बोलूं, मैं हमेशा पुराने कपड़े पहने, मैंने कभी भी ये पहन के नहीं पहनी, तो नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये जो कितनी ज्यादा कलरफुल है ये, हाँ तो होली है तो कलरफुल तो होगी। हाँ, तो इसलिए मैंने ये वाली ली है। तो चलिए ये है बेल्ट, मुझे मारने के लिए नहीं है ये बेल्ट है, मतलब जो भी जीन्स आती है गर्ल्स की बेल्ट है, तो जो भी जीन्स आती है ना वो मतलब मेरी बहुत ढीली होती है, क्योंकि मैं बहुत पतली सी हूँ, तो इसकी वजह से गर्ल्स के लिए जो है वो बेल्ट है। उसके बाद इसमें क्या है, पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, गारमेंट्स है तो इसको तो रहन दो। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये पूरा खाली हो चुका है, बिल बिल है, इसको संभाल के रखना चाहिए हमें। और ये है मेरी मम्मा के, मतलब मेरी मम्मा के लिए कह रही है, पापा के लिए। हाँ मेरे लिए तो कोई शॉपिंग हुई नहीं है ना, लोअर है ये, सो देख सकते हो कितना मस्त है। हाँ ये ठीक है। उसके बाद और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये मम्मी के लिए बिंदी लिक्विड वाली लाए थे, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि अभी हम लोग थोड़ा बहुत तो मम्मी के लिए भी सोच ही लेते हैं करने के लिए। अच्छा हो। तो ये मम्मा के लिए भी बिंदी, ये लिक्विड वाली है जो कि हमने खरीद ली। और चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। तो गाइस अब आता है नेक्स्ट, अब ये तो मम्मा को नहीं पता है, क्योंकि ये हमने मम्मा से चुपके चुपाते हुए लिया है। हैं? ये कब लिया तुम लोगों ने? ये सब आपके लिए ही लाया। और पता है मेरे को बताया भी नहीं, कितना अच्छा लग रहा है दुपट्टा, ये दुपट्टा है साड़ी नहीं, ये दुपट्टा है। वाह ये तो मेरा मन पसंद दुपट्टा, कितना अच्छा लग रहा है। और पता है ये राजस्थानी जो लुक में है, बिल्कुल जयपुरिया टच में। और ये मुझे ना, ये मैं जो है दुपट्टा बहुत दिनों से चाह रही थी, बहुत अच्छा है। ये कब गए तुम लोग, मुझे नहीं लेके जा सकते थे? पापा गए थे लेने आपके लिए। कब गई थी? सरप्राइज।
कब गए थे लेने के लिए? हम आप ही गए थे लेने, आपको हमें बताया भी नहीं था। लेकिन ये दुपट्टा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता है गाइस, ये जो है दुपट्टे के लिए जो है मैं बताया मनी मन बहुत ज्यादा सोच रही थी। और मैंने दुपट्टा है और मुझसे कह रहे थे ना कि मम्मी देखो मुझे ये दुपट्टा जो है पसंद आ गया तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, तो मैंने फिर पीहू का दुपट्टा पहन लिया था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मम्मी के लिए है, ये मैं मजाक कर रही थी, और उसके बाद मम्मी के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन पीहू भी कैरी कर सकती है। ये है मम्मी के लिए, मम्मी का एक कुर्ता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये लोग जो है लेके आए, हे भगवान, ये देखो ये मम्मा की, और बताया भी नहीं। ये मम्मा के लिए कुर्ता है, और ये देखो ये वाला मम्मा कैसा लग रहा है आपको? ये तुम लोग गए कब यार, मुझे पता है। ये है दूसरा। वाह कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल समर कलर लग रहा है। ये किसके पसंद का है? ये है जरूर पापा ने पसंद करा होगा। हाँ देखा, और फ्रेंड्स ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम लोग मम्मी के लिए शॉपिंग ना करें, इसकी वजह से मैंने मम्मा के लिए भी शॉपिंग करी है। और अभी ये लोग पता है कितने चालाक हैं, बताओ बिना मुझे लेके जो है ये लोग गए थे। और ये लेगी है मम्मा के लिए कॉटन लेगी जो कि रेड कलर, ये पता है वो दुपट्टा ना इस सूट के साथ जो है कैरी करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और ये है वो, हाँ ये वाला जो दुपट्टा। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट है ये ब्लू कलर का कुर्ता। कितने सारे लेके आए हो यार, इतने सारे लाके जो है लेके आने की क्या जरूरत थी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिंपल सोवर था, मैंने और पापा ने चूज करा था जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं पर भी पहन सकते हो। और नेक्स्ट तो आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा, ये देखो। वाओ सो प्रिटी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घेर है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम लोग यार गए कब और रखे कहाँ? हाँ, हमने सारी जगह तो मैं जो है देखती रहती हूँ, तुम लोगों ने रखे कहाँ और गए कब? हमने बहुत, मुझे ये नहीं, ये बताओ मुझे जो है गए कब तुम लोग जो है? हम लोग में बहुत दिमाग है, जब आप एक दिन जा रहे थे ना उधर किट्टी में गए थे तभी हम लोग लेकर आए। और रखे कहाँ थे छुपा के? हमने मेरी अलमारी में। तो कितनी शैतान लड़की है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। पता है ब्लैक वाला दुपट्टा ना इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, और जो वो वाला है ना राजस्थानी वाला दुपट्टा वो जो है ग्रीन सूट के ऊपर कैरी हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, वेलकम। तो देखिए पीयू ने जो है यहाँ पर पहन लिया है, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है पीयू, है ना? और बिल्कुल फिटिंग का आया, बिल्कुल फिटिंग का है ना, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा है। और एक इसके लिए है मेरे लिए। तभी कह रही धमाकेदार चीज, ये देखो। पता है मेरे को जो है पीहू के लिए हैवी आइटम जो खरीदने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीहू का मन था ये जो है कुर्ती लेने का, तो मैंने कुर्ती दिला दी थी इसे। और देखिए ये मैंने जो पार्टी वियर जो लेकर आई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे मान लीजिए किसी घर में मैरिज है, किसी घर में कोई भी फंक्शन है, तो फिर जो है टाइम नहीं होता है, जो है मतलब समझ में नहीं आती कोई चीज़ जो है खरीदने में, तो फेस्टिवल के थ्रू आ जाती है। सो ये रहा इसका, कहाँ से ये नहीं समझ आ रहा मुझे, कहाँ ये रहा जो है इसका जो है टॉप रहा, और जो है क्या है कि मतलब अभी मुझे इसकी फिटिंग करनी है, तो चुन्नी कह लो, दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, नेट का दुपट्टा है इसमें, नेट का दुपट्टा है, उसके बाद दिस इज लहंगा, नहीं लहंगा नहीं, मतलब ऐसे जो है इसे लॉन्ग स्कर्ट जो है मतलब आप जो है पहन सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा जो है वर्क है इस पर, पूरा जो है आप लोग जो है वर्क दे सकते हैं, रेशम वर्क है, और जो है इसमें जो है बहुत ही अच्छा जो है काम हो रखा है, बहुत ही जो है अच्छा, देखिए जो आप इस पर जो है वर्क हो रखा है, और इसे आप पार्टी वगैरह में कहीं पर भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, कोई फंक्शन है आप उसमें जो है कैरी कर सकते हैं, जरा रख के दिखाओ। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसे अभी पहन के दिखाती हूँ, फिर आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो देखिए पीहू जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और देखिए पीहू का देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना पीहू? देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये यूनिक कलर है, वाइन कलर है, कलर है, और वाइन कलर की ड्रेस पीहू के पास कोई भी नहीं थी, तो मैंने पीहू के लिए ये ले लिया, अच्छी लग रही है ना? ठीक है, गुड। देखिए
देखिए ये वाला ना मेरा फेवरेट था, ये वाइन कलर है और मुझको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ये एक ही बार में पसंद आ गया था इसकी वजह से, और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। आपको ये वाला नाम, ये वाला इसको मैं क्या कहते हैं, मैं नाम ही भूल गई इसका, इसकी देखो ये निकल रहा है, कोई बात नहीं वो निकलता रहता है। हाँ मम्मी ये है, ये देखो यहाँ पे इसका टॉप है और ये लॉन्ग स्कर्ट है, कैसी लग रही है आपको? अब आएगा अरीस की चुन्नी है, बहुत प्यारी है चुन्नी भी, आई लव इट।